दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। विराट कोहली टीम इंडिया के वनडे कप्तान नहीं रहे। बीसीसीआई ने कोहली को वनडे की कप्तानी से हटा दिया है। रोहित शर्मा को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है। इससे पहले कोहली ने T20 टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। बाद में उनकी जगह रोहित शर्मा को T20 की कमान मिली। अब रोहित वनडे और T20 में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, वहीं विराट कोहली टेस्ट में। BCCI के इस फैसले से कोहली फैंस काफी खफा हैं। सोशल मीडिया पर BCCI की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। वैसे रोहित के कप्तान बनने से कोहली को नुकसान तो हुआ है, लेकिन फायदे भी हुए हैं। हम आपको उन 4 फायदों के बारे में बताने वाले हैं जो रोहित के कप्तान बनने से विराट कोहली को हुए हैं। स्प्लिट लीडरशिप। दरअसल रोहित के कप्तान बनने से लीडरशिप रोल बट गया है। अब टेस्ट में कोहली अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, रोहित लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में। ऐसे में दोनों कप्तानों पर दबाव कम रहेगा। पहले कोहली तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी तीनों फॉर्मेट में करना सबसे मुश्किल काम है। हर मैच में जीत का दबाव रहता है, हर सीरीज अहम होती है। टीम की हार से दबाव बढ़ता है और उस दबाव को झेलना आसान नहीं है उस देश में जहां क्रिकेट को धर्म समझा जाता है। अब कोहली फ्री होकर एक ही फॉर्मेट में कप्तानी की जिम्मेदारी उठाएंगे और उसी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कोहली द बैट्समैन, बल्लेबाज विराट कोहली के पास फिर से रिवाइव करने का मौका है। बीते 2 सालों में कोहली के बल्ले से एक भी इंटरनेशनल शतक नहीं आया है। कोहली जैसे खिलाड़ी से हर मैच हर सीरीज में फैंस शतक की उम्मीद करते हैं। पहले बल्लेबाजी के साथ कप्तानी का भी दबाव होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विराट के पास अब क्रीज पर वक्त बिताने का पूरा समय है। हो सकता है कि कप्तानी जाने की वजह से बल्लेबाज कोहली की फॉर्म बढ़िया हो जाए। बायो बबल ब्रेक। कोरोना काल में खिलाड़ियों के लिए जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। बायो बबल में रहने की वजह से मानसिक तनाव की समस्या खूब देखने को मिली है। लगातार क्रिकेट खेला जा रहा है, ऐसे में खिलाड़ी भी चाहते हैं कि उन्हें छुट्टी मिले, परिवार के साथ वक्त बिताए। तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने की वजह से कोहली को पर्याप्त वक्त और आराम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब कोहली जब मन चाहे आराम ले सकते हैं। वैसे भी टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ काफी मजबूत है। कई खिलाड़ी हैं जो कोहली की गैर मौजूदगी में उनकी जगह ले सकते हैं। मेंटोर विराट कोहली। विराट कोहली अब उस मुकाम पर है जहां करियर के अंतिम पड़ाव में MS धोनी थे। कहने का मतलब है कि कोहली सीनियर और अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल हल्का कर सकते हैं। कोहली मेंटोर की भूमिका में फिट बैठेंगे और ऐसा उन्हें करना भी चाहिए। जितना हो सके अनुभव बांटे ताकि भविष्य के सितारों को किंग कोहली की वजह से फायदा मिले। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है अविनाश ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।